नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा भैया के बारे में। यह वही राजा भैया है जो समूचे उत्तर प्रदेश में अपने 600 बीघा में बने राजभवन और उसके पीछे बने तालाब के लिए जाने जाते हैं। और अधिकतर लोगों का कहना यह है कि इस तालाब के अंदर यह मगरमच्छ भी पालते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं राजा भैया की। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राजा भैया को नहीं जानता हो। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर सन 1968 को कुंदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम राजा उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। इनके दादाजी बजरंग बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी थे। राजा भैया की शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा महाप्रभु बाल विद्यालय नारायणी आश्रम शिवकुटी इलाहाबाद से और भारत स्काउट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। बाद में इन्होंने कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ाई की थी। इन्होंने ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की थी। इनके राजनीतिक करियर पर गौर फरमाएं। साल 1993 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, वह भी कुंदा विधानसभा सीट से, और निर्दलीय जीते भी सही। तब इनकी उम्र महज 26 वर्ष की ही थी। इसी वर्ष साल 1993 में कल्याण सिंह की अगुवाई में सरकार बनी और सन 1997 से 99 तक यह कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी रहे। फिर सन 1999 से 2000 तक वह खेल मंत्री व युवा मामलों के मंत्री भी रहे। सन 2004 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक यह खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। सन 2012 में जेल से रिहा होने के बाद मुलायम सिंह सरकार में जेल मंत्री भी बने। सन 1993 से लगातार वह अपनी विधानसभा सीट कुंडा से अपराजय रहे हैं। अब तो इन्होंने खुद की पार्टी भी बना ली है। राजा भैया के साथ विवाद। रघुराज प्रताप सिंह पर अधिकतर जितने भी मामले दर्ज हुए उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। सन 2003 में राजा भैया का सरकार के खिलाफ यह कहना था कि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, आप विधानसभा में पूर्ण बहुमत सिद्ध करें। इस कारण वह कई बार मायावती के निशाने पर रहे और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वर्तमान में उन पर सिर्फ एक ही केस है। साल 2002 में बीजेपी के विधायक पूर्ण सिंह बुंदेला ने राजा भैया के खिलाफ कथित रूप से अपहरण और धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज करवाई, जिसके चलते राजा भैया को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें अपने पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ आतंकवाद अधिनियम पोटा के तहत जेल भेजा गया। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए तब मुलायम सिंह ने 25 मिनट के भीतर राजा भैया के खिलाफ सभी पोटा आरोपों को हटा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल तो दिया था। इसके बाद वह सरकार में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। एक पुलिस अधिकारी RS पांडे ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके ऊपर एक मुहिम छेड़ दी थी। बाद में सड़क दुर्घटना में RS पांडे की मौत हो गई। यह वही RS पांडे है जिन्होंने राजा भैया के घर छापा मारने की कार्रवाई का नेतृत्व किया था। अपने लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद वर्ष 2004 में यूपी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। 3 मार्च 2013 को DSP जियाउल हक की हत्या कुंडा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान हुई थी। FIR में परवीन यानी DSP की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या राजा भैया के गुंडों ने की थी, जिसके चलते उन्होंने कुंडा नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओ श्रीवास्तव और राजा भैया के पूर्व चालक गुड्डू सिंह को प्रमुख आरोपी के रूप में नामित किया। बाद में 1 अगस्त 2013 को CBI ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। यह वही मामला है जिसमें राजा भैया का कहना है कि जब यह पूरा मामला हुआ तब वह लखनऊ विधानसभा में थे और उन्होंने ही विधानसभा में इस पूरे प्रकरण की CBI जाँच की मांग उठाई थी। इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जान लेते हैं। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह उत्तराखंड के पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य के दूसरे राज्यपाल भी बने। रघुराज जी ही राजनीति में प्रवेश करने वाले अपने कबीले से एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्हें बचपन में अपने पिता उदय प्रताप सिंह से बहुत डर लगता था। राजा भैया आज भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं और अब तक उन्हें कोई नहीं हरा सका है। अब इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है।
अपने एकांत समय में राजा भैया घुड़सवारी करना पसंद करते हैं। इन्हें विमान उड़ाना बहुत पसंद है, पर एक बार इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण इन्हें पैरों में गंभीर चोटें लगी थी। इनके पिताजी और दादाजी भी विमान दुर्घटना का शिकार हुए और बाल बाल बचे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान मुलायम सिंह यादव ने दंगों में उन्हें संलिप्त पाते हुए अपमानित भी किया था। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की सेवा भी करते हैं, मगर यह अपने काम के लिए कई बार विवादों में भी रहे हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। जहां ये रहते हैं वहां के लोग इनके काम की सराहना भी करते हैं। यह गरीबों के लिए मसीहा का काम भी करते हैं, मगर इनकी छवि कुछ इस तरह की बन गई है कि एक लोग इन्हें कुछ और नाम से जानते हैं और दूसरे लोग इन्हें कुछ और तर्क निकाल कर बताते हैं। और रही बात इनके 600 बीघा में मगरमच्छ पालने वाले तालाब की, तो उसमें सिर्फ मछली पालन ही किया जाता है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य वीडियो